बंग आवाज स्पॉन्सर्ड बाय श्री बालाजी फैशन एंड ओकिनी। बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ बगावत से छिड़ चुकी है और बात अब आरजी कर की घटना तक ही सीमित नहीं रह गई है, बल्कि पूरे करप्ट सिस्टम के खिलाफ एक मुहिम सी चल रही है और इसे ममता बनर्जी के अब तक के कार्यकाल की सबसे बड़ी चुनौती मानी जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता पांडे और आप देख रहे हैं बंग आवाज। मुद्दा बहुत ही अहम है आज का, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी लौटती हूँ पूरी वीडियो के साथ। मुझे कुर्सी का लालच नहीं है, लोगों की भलाई की खातिर मैं इस्तीफा भी दे सकती हूँ, ये बातें कही हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुई रेप और हत्याकांड में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब घिरती जा रही हैं। उनकी सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा शांत होता नहीं दिख रहा है, बल्कि आक्रोश और अविश्वास बढ़ता ही जा रहा है। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी राज्य सरकार और आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टर्स के बीच कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। गुरुवार को डॉक्टर्स के 30 सदस्य प्रतिनिधि दल राज्य सचिवालय नववान के गेट तक पहुंचे, लेकिन उनकी शर्तें नहीं माने जाने के कारण एक तरफ मुख्यमंत्री सचिवालय के अंदर 2 घंटे तक डॉक्टर्स का इंतजार करती रह गई, तो दूसरी तरफ डॉक्टर्स सचिवालय के बाहर शर्तें माने जाने का इंतजार करते रह गए। इनकी मुख्य शर्त थी कि बैठक का सीधा प्रसारण किया जाए, जिस पर सरकार राजी नहीं हुई और इस वजह से लगातार तीसरी बार बैठक नहीं हो सकी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने डॉक्टरों से बात करने की बहुत कोशिश की, 3 दिनों तक उनका इंतजार किया और आज 2 घंटे 10 मिनट तक नववान में भी उनका इंतजार किया, लेकिन वे नहीं आए। कुछ डॉक्टर्स बात करना भी चाहते थे, लेकिन उन्हें फोन पर कोई मना कर रहा था। दरअसल उन्हें न्याय नहीं, कुर्सी चाहिए। सुनिए क्या कहा है ममता बनर्जी ने। ওরা বিচার চায় না, ওরা চায় চেয়ার। আমি মানুষের স্বার্থে এমনকি নিজে পদত্যাগ করতেও রাজি আছি। আমার মুখ্যমন্ত্রীর পদ চাই না, কিন্তু আমি চাই মানুষ বিচার পাক। বাংলার মানুষের আবেগের কাছে আমি বলবো, আমি ক্ষমা চাইছি আপনাদের কাছে। আপনারাও আশায় ছিলেন আজকে সমস্যাটা সমাধান হয়ে যাবে। রুকেগে এক ছোটে সে ব্রেক কে লিয়ে, ব্রেক কে বাদ পৌঁছতে হ্যায় কনক্লুশন পর। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेन सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ, तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। जीटी रोड अपोजिट सुभाष सिनेमा आसनसोल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इस समय ममता दोहरे दबाव में है। एक तरफ पीड़िता के लिए न्याय की मांग की लहरें उठ रही हैं, तो दूसरी तरफ इसी वजह से डॉक्टर्स की हड़ताल। इन दोनों ही मुद्दों पर राज्य प्रशासन को बहुत ही संवेदनशील तरीके से निपटना पड़ेगा। डॉक्टरों की हड़ताल के कारण स्वास्थ्य सेवाएं भी बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। सरकार को चाहिए कि इस मुद्दे पर शांतिपूर्ण समाधान तलाशे। बैठक में 15 की जगह जब 34 डॉक्टर पहुंचे तो ममता बनर्जी ने उन्हें नहीं रोका, शामिल करने के लिए कहा था बैठक में, लेकिन शुरू से ही डॉक्टर्स जिस पारदर्शिता, जिस ट्रांसपेरेंसी की मांग कर रहे हैं, उसी के तहत जब उन्होंने बैठक का सीधा प्रसारण करने की मांग की, तो ये कोई ऐसी बहुत बड़ी मांग भी नहीं थी जिसे माना ना जा सके और मुद्दा बनाकर बैठक रद्द कर दिया गया। तृणमूल कांग्रेस के टिकट से राज्यसभा गए जवाहर सरकार ने पिछले दिनों सदस्यता से इस्तीफा देते हुए कहा कि बंगाल में नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत है। साफ दिख रहा है
कि ममता बनर्जी घिरी हुई है चारों ओर से। शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग का प्रदर्शन निराशाजनक है और कई विभागों में तो केंद्रीय एजेंसियों की भ्रष्टाचार की जांच चल रही है। ना तो विकास का कोई ठिकाना है और रोजगार तो बस पलायन के भरोसे। ऐसे में राज्य सरकार का परफॉर्मेंस संतोषजनक नहीं दिख रहा। देखना होगा ये कि इस चक्रव्यूह से ममता बनर्जी खुद को कैसे निकाल पाती है, जो कि खुद उनके अपनों ने ही बनाया है, जिसका ठीकड़ा वो फोड़ती है सोशल मीडिया पर। तुम्हारे घर की फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है, बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटी दार और टिकाऊ भी। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड आसनसोल। আদি মোহিনীমোহন কান্দিলাল যখন বেনারসি সম্ভার তো হতেই হবে, তার পাশাপাশি খুশির ঈদের জন্য রয়েছে শিফন গাউন ক্রপ টপের রকমারি, তার পাশাপাশি রয়েছে মেল ফ্রেন্ডসদের জন্য বিপুল পাঞ্জাবির অপশন। আদি মোহিনীমোহন কান্দিলালের আসানসোল শোরুম, 116 জিটি রোড অপোজিট অফ ভেটেরান পেট্রোল পাম্প। प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के लिए नगर निगम प्रशासन ने आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स परिसर में लगाया शिविर। इसका निर्णय लिया गया था व्यवसायिक संगठनों के प्रतिनिधियों संग हुई बैठक में। चैम्बर अध्यक्ष ओम बगड़िया, सचिव शंभुनाथ झा ने दी जानकारी। चैम्बर से जुड़े सभी सदस्यों को दी गई है पूर्व सूचना। शिविर लगाने से हो रही काफी सुविधा। विभिन्न मांगों के समर्थन में पूर्वांचल सिक्योरिटी से जुड़े निजी सुरक्षा गार्डों ने किया ECL के सालानपुर क्षेत्रीय कार्यालय पर प्रदर्शन। नेतृत्व किया बाराबनी प्रखंड तृणमूल अध्यक्ष असीत सिंह ने। शामिल थे नूनी पंचायत प्रधान भी। GM की अनुपस्थिति में मांगों का ज्ञापन सौंपा गया AGM को। उन्होंने दिया आश्वासन, GM की उपलब्धता होते ही मांगों पर बुलाई जाएगी बैठक। विश्वकर्मा पूजा के बाद आसनसोल नगर निगम के कर्मचारियों के वेतन में की जाएगी वृद्धि। यह जानकारी दी MMIC गुरदास चटर्जी ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाएगी विस्तृत जानकारी। इसके पहले सिर्फ सैनिटेशन विभाग के कर्मियों को मिला था यह लाभ। नई घोषणा जुड़ी हुई सभी विभागों के कर्मचारियों से। इस निर्णय को बोर्ड से पारित करने की औपचारिकता है बाकी। निगम प्रशासन से जुड़ी कमेटी ने दे दी है मंजूरी। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात ऐसे ही ज्वलंत मुद्दे के साथ। सब्सक्राइब करें बंगावाज को, हमें सपोर्ट करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।